वक्त बड़ी खबर आपको हम बता दें कि स्पीकर का चुनाव हो चुका है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव ओम बिरला के नाम पर हो चुका है। और ये देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर, मुबारकबाद देते हुए, हाथ मिलाते हुए। बड़ी खबर, अपने चौंकाने वाले फैसले से एक बार फिर से चौंकाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओम बिरला का नाम लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा के स्पीकर के तौर पर सामने लाकर और खुद वहां पर मंच तक वो ले जा रहे हैं। स्पीकर का जो चेयर है वहां तक प्रधानमंत्री खुद वहां पर गए हैं। बहुत बड़ी बात, कोटा के लिए भी बहुत बड़ी बात कि वहां से स्पीकर कोई बना है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि कई और नाम, कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे स्पीकर के तौर पर, लेकिन ओम बिरला का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित करके सबको एक बार फिर से अपने फैसले से चौंका दिया। ये आप देख रहे हैं अपने आप में ये तस्वीरें ऐतिहासिक, क्योंकि स्पीकर का चुनाव, ओम बिरला अब नए लोकसभा अध्यक्ष होंगे और निर्विरोध तौर पर, निर्विरोध रूप से लोकसभा के अध्यक्ष वो चुने गए हैं। इससे पहले सुमित्रा महाजन इस कुर्सी पर आसीन रहती थी, लेकिन अब नया चेहरा जो लोकसभा अध्यक्ष का होगा वो ओम बिरला के तौर पर सदन के सामने, सदन के जरिए पूरे देश के सामने, और तालियों से अभिवादन करते हुए, बधाई देते हुए तमाम सांसदों को आप यहां पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला का नाम प्रस्तावित किया, समर्थन किया राजनाथ सिंह ने, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया। और एक बार फिर से मीनाक्षी, भारत माता की जय के नारे, कल इसी नारे को लेकर बहुत विवाद भी हुआ था यहां पर जब शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था। कहीं पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, कहीं पर कुछ और नारे लग रहे थे, उसको लेकर बहुत यहां पर विवाद हुआ। लेकिन अब ओम बिरला, माननीय प्रधानमंत्री, Procedure, I mean, business could begin. I would like to thank Sri Virendra Kumar ji, who has discharged his duties as the pro tem speaker, and in on behalf of the entire house, and within 2 days. He has completed the entire proceeding very smoothly. I profusely thanking on behalf of government and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of pro tem speaker, Sri Suresh ji, Sri Bhartrija Mahatab ji, Sri Bhushan Charan Singh ji, for their cooperation and sparing them their time. And I also thank Secretary General of Lok Sabha, under the guidance of Pro Tem Speaker, without going out for a single minute, she sat here along with all her staff, and within the time frame, under the guidance of Pro Tem Speaker and panel, she has completed the work. On behalf of the entire House, I thank all of them, and once again, I thank all the members for cooperation. धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह अत्यंत हर्ष का और गर्व का समय है। आपको इस पद पर आसीन होते हुए देखने का इस सदन में पुराने सभी सदस्य आपसे भली भांति परिचित हैं। विधायक के रूप में भी राजस्थान में आपने जो सक्रिय भूमिका अदा की है उससे भी राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग परिचित हैं। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि स्पीकर पद पर आज एक ऐसे व्यक्तित्व का हम अनुमोदन कर रहे हैं, सर्वसम्मति से उनको स्वीकृति दे रहे हैं, जो सार्वजनिक जीवन में विद्यार्थी काल से छात्र संगठनों से जुड़ते हुए यूनिवर्सिटी की छात्र गतिविधि का नेतृत्व करते हुए
जीवन का सर्वाधिक उत्तम समय किसी भी प्रकार के ब्रेक के बिना अखंड अविरत समाज जीवन की किसी न किसी गतिविधि से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी छात्र आंदोलन से निकल करके युवा मोर्चा के संगठन में करीब 15 साल तक जिले में, राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। मुझे सालों तक संगठन का कार्य करने का अवसर मिला, उसके कारण मेरे एक साथी के रूप में भी हम दोनों को साथ में काम करने का अवसर मिला। और कोटा वो धरती है जो एक प्रकार से आजकल शिक्षा का काशी बन गया है। जिनके भी दिल दिमाग में कैरियर की प्राथमिकता है वो कोटा को पसंद करता है, कोटा में रहेगा, कोटा में पढ़ेगा और कोटा से अपनी जिंदगी बनाता है। राजस्थान के कौन सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। और कोटा का ये परिवर्तन जिस नेतृत्व के सामने हुआ है, जिसके योगदान से हुआ है, जिसके इनिशिएटिव से हुआ है, वो नाम है श्रीमान ओम बिरला जी। आमतौर पर राजनीतिक जीवन में हम लोगों की एक छवि बनी रहती है कि हम 24 घंटे राजनीति करते हैं, उठापटक करते हैं, तू-तू मैं-मैं करते हैं, कौन हारे कौन जीते इसी में लगे रहते हैं। लेकिन उसके अलावा एक सच्चाई होती है जो कभी कभी उजागर नहीं होती है। वर्तमान में देश ने अनुभव किया है कि राजनीतिक जीवन में जितना अधिक मात्रा में सामाजिक सेवा का प्रपोर्शन रहता है समाज में स्वीकृति ज्यादा मिलती है। हार्डकोर पॉलिटिक्स का जमाना करीब करीब चला जा रहा है। ओम बिरला जी वो शख्सियत है जो जनप्रतिनिधि के नाते राजनीति से जुड़ना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन उनकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा केंद्रित रही। समाज जीवन के कहीं पर भी पीड़ा अगर उनको नजर आई तो पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से रहे। मुझे बराबर याद है जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया, बहुत लंबे अरसे तक वे कच्छ में रहे, अपने इलाके के युवा साथियों को लेकर के आए, स्थानीय कोई व्यवस्था का उपयोग न करते हुए अपनी व्यवस्थाओं को जो भी उपलब्ध थी उसके आधार पर उन्होंने लंबे अरसे तक सेवा का काम किया। जब केदारनाथ का हादसा हुआ तो वे फिर उत्तराखंड में नजर आए, वहां भी अपनी टोली लेकर के समाज सेवा के काम में लग गए। और अपने कोटा में भी अगर किसी के पास ठंड की सीजन में कंबल नहीं है तो रात भर कोटा की गलियों में निकलना, जन भागीदारी से गर्म कंबल वगैरह इकट्ठा करना और उनको पहुंचाना। उन्होंने एक व्रत लिया था सार्वजनिक जीवन में, हम सभी सांसदों के लिए कभी कभी वो प्रेरणा देता है। उनका व्रत था कि कोटा में कोई भूखा नहीं सोएगा और वे एक प्रसादम नाम की योजना चलाते थे, आज भी चल रही है। उस प्रसादम योजना के तहत जन भागीदारी से भूखे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको खाना खिलाना ये उनका रेगुलर काम बन गया। उसी प्रकार से गरीब हैं, दुखी हैं, अगर कपड़े नहीं हैं पूरे तो उन्होंने परिधान योजना बनाई। उस परिधान मूवमेंट के आधार पर वे जन भागीदारी से सामाजिक संवेदना से लगातार जुड़े रह करके, अगर किसी के पास जूते नहीं है तो जन भागीदारी से जूते इकट्ठा करना, गर्मी के सीजन में उसको जूते पहना देना, अगर कोई बीमार है कहीं रक्तदान का काम जरूरी है कहीं अस्पताल में और सेवाएं देनी है,
एक प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु जन आंदोलन से ज्यादा जन सेवा को बनाया और ऐसा एक संवेदनशील व्यक्तित्व आज जब स्पीकर पद पर हम सबको अनुशासित भी करेंगे अनुप्रेरित भी करेंगे और उसके द्वारा ये सदन देश को उत्तम से उत्तम दे पाए एक कैटलिक एजेंट के रूप में एक पदासीन के जिम्मेवारी के रूप में और सालों की सामाजिक संवेदना वाली जिंदगी जीते के कारण मुझे विश्वास है कि उत्तम तरीके से चीजों को कर पाएंगे। सदन में भी हमने देखा है वो मुस्कुराते हैं तो भी बड़े हल्के से मुस्कुराते हैं, वे बोलते हैं तो भी बड़े हल्के से बोलते हैं और इसलिए सदन में मुझे कभी कभी डर लगता है कि उनकी इस जो नम्रता है विवेक है कहीं कोई उसका दुरुपयोग न कर दे। लेकिन आजकल तो पहले तो ऐसा होता था कि शायद लोकसभा के स्पीकर को कठिनाइयां ज्यादा रहती थी, राज्यसभा के चेयरमैन को कम रहती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। हम जब पिछले सत्र को याद करेंगे तो हर किसी के मुंह से ये तो निकलेगा कि हमारी जो स्पीकर महोदया थी हमेशा हंसते रहना खुशखुशाल रहना और डांटना भी है तो डांटने के बाद हंस पड़ना, लेकिन उन्होंने भी उत्तम तरीके से एक नई परंपरा को विकसित किया। इस सदन की तरफ से ट्रेजरी बैंक की तरफ से शासन में बैठे हुए सब जिम्मेवार मंत्रिपरिषद की तरफ से मैं अध्यक्ष महोदय आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके काम को सरल करने में हम जो भी भूमिका हमारे जिम्मे होगी उसको शत प्रतिशत पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और आपका हक बना रहेगा कि इस बेंच तरफ भी अगर नियमों का उल्लंघन होता है व्यवस्थाओं में बाधाएं पैदा की जाती हैं तो आपका पूरा हक बनेगा कि हमको भी हमारे तरफ के लोगों को भी आप उतने ही मक्कमता से आग्रहता से कहें हम उसका स्वागत करेंगे क्योंकि सदन की गरिमा बनाना हम सबका योगदान रहना यह आवश्यक है। और मुझे विश्वास है पहले तो 3-4 साल तो अच्छे जाते थे, चुनाव के वर्ष में थोड़ी गड़बड़ होती थी, लेकिन अब जब हर 3-4 महीने के बाद कोई चुनाव दिखता है तो लगता है कि यहीं से कुछ मैसेज देंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको भी तनाव जरा ज्यादा रहता रहने वाला है, लेकिन फिर भी अच्छी चर्चा हो उत्तम चर्चा हो सब विषयों पर चर्चा हो मिलजुल करके निर्णय हो उसमें आपको पूरी तरह ये सदन भी योगदान करेगा ऐसी एक आशा के साथ मेरी तरफ से सदन की तरफ से ट्रेजरी बैंक की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।